शुभेच्छा खूप सूर्या आणि वळूयात आपण कॉम्बॉक्स मध्ये अमोल सरांना सुद्धा विनंती आहे मानस मनोरे एमएम कालच्या दिवसापासून आपल्या सोबत आहे आणि वॉटरमेलन ची व्यवस्था सुद्धा या व्यासपीठावरती झाली याचा अर्थ कमेंट्री बॉक्सला थंड करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे मानस मूर्ती लहान कीर्ती महान अशी व्यक्तिमत्व आणि आज आपल्या छोट्या कारकिर्दीत ज्यांनी खूप मोठं नाव मोठं केलंय आणि आपल्या विभागाचं आपल्या तालुक्याचं आपल्या जिल्ह्याचं नाव हे मोठं करताना पहिल्या षटकासाठी मानस थँक्यू केतन पाटील सर चलिए पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 सीजन 11 में तमाम दर्शकों का तमाम मान्यवरों का और साथ ही साथ तमाम खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरे आप सभी का करना चाहूंगा स्वागत सेमीफाइनल नंबर टू का यही है रोमांच मैदान पर जारी है एकता मित्र मंडल मंगरूर और साथ ही साथ हमारे भाई मंगेश जी दलवी और नरेशिल दादा पाटिल इनके जरिए ऑर्गेनाइज की गई है पूर्व विभाग प्रीमियर लीग सीजन 11 में पहुंच चुके हैं सीजन 11 का सफर मैदान पर शुरू है और सीजन 11 में हम आखिरी दिन में इस टूर्नामेंट के यहाँ पहुंचे और सेमीफाइनल नंबर टू का ये रोमांच अब मैदान पर जारी किया जाएगा वर्धानी 11 बनाम टीम मोरिया 11 के बीच ये मुकाबला जो है वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है तो देखिए टॉस जीता था वर्धानी 11 ने फैसला किया है पहले गेंदबाजी करने का बल्लेबाजी करने का न्योता मोरिया 11 को दिया है और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है खुद कप्तान अमित पाटिल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर मौजूद तो उनके साथ दिनेश नाटवे जो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं तो गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए विक्की भारती एक अच्छे ऑलराउंडर वर्धानी 11 के लिए अब तक वो नजर आए हैं गेंद को भेजा देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद रफ्तार के साथ ट्रैवल होती हुई दिखाई देने वाली है खिलाड़ी वहां पे है मौजूद एक आखिरी लम्हों में हमें हम कहेंगे कि वो गेंद को रोकने में कामयाब हो चुके हैं दुक्का वहाँ पे जरूर आता हुआ दिखाई देगा शुरुआत एक डॉट गेंद के साथ हो चुकी थी उसके बाद एक सिंगल आता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद एक दुक्का यानी कि तीन गेंदों के बाद तीन रन टीम मोरिया 11 का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर स्क्वायर कट कर दिया शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी बैकफुट पर गए स्क्वायर कट किया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर नंबर 4 वाला दिनेश नाटवे के बल्ले से खूबसूरत चौका मिलेंगे 4 रन थैंक यू आरटीसी ऑपरेटर तो खूबसूरत चौका आया ये देखिए कट किया था लेकिन जाना था ही कहीं और गेंद गई कहीं और जाना था चीन पहुंच गए जापान लेकिन जो चाहते थे वो मिला डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन देखिए वाटरमेलन यहाँ पे आ चुका है और उसकी टेस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर ली जा रही है हमारे स्कोरर हमारे कमेंट्रेटर्स हमारे यूट्यूब लाइव सब वो वाटरमेलन की टेस्ट लेते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे हमने भी वो टेस्ट ली काफ़ी अच्छा स्वाद है वहाँ पे पिकअप ज़रूर आपको दिखाई देगा वाटरमेलन की बिक्री जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में होती हुई नज़र आएगी ये गेंद स्कूप करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन अंपायर का इशारा आएगा आउटसाइड द लेग स्टंप लाइन और लेग नजर आई थोड़ी सी दिशा और लाइन खराब शुरुआती ओवर में विकी भारती की नजर आती हुई दिखाई दे रही है बैक टू बैक दो गेंदों में 2 छक्के खाने के बाद थोड़ा सा गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव और उसी के चलते आया हुआ व्हाइट टोटल में इजाफा करेगा 1 के साथ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम का टोटल आ चुका है कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश खोद के निकाला गेंद को एकदम जड़ में गेंद डाली जा रही है कोई हाथ खोलने का मौका बल्लेबाजों को नहीं दिया जा रहा एकदम जड़ में हो रही गेंदबाजी बल्लेबाजों को खामोश रख रही है लेकिन उसके बावजूद 2 छक्के अच्छी तरीके के साथ बटोरने में दिनेश नाटवे कामयाब हो चुके थे तो P1 की पहली पावर प्ले की ओवर का खेल समाप्त हो चुका है सेमीफाइनल नंबर 2 के पहले सत्र में और टोटल पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद मोरिया 11 का बगैर नुकसान 13 स्कोर कार्ड के ऊपर तो देखिए गेंदबाजी में होगा परिवर्तन अब पीटू की ये दूसरी ओवर होने वाली है
और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नए गेंदबाज को आमंत्रित किया गया है। तो जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज आ चुके हैं जयवंत, जयवंत लखीमले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दाखिल किए जाएंगे। वर्धानी 11 और मोरिया 11 के बीच ये मुकाबला मैदान पर जारी है। सुशीला मोटर्स और मोरिया 11 के बीच मुकाबला हुआ था, जो जीतता वो क्वालिफाई होता, और मोरिया 11 ने वहां पे जीत हासिल की और क्वालिफिकेशन अपनी टीम के नाम की है। सुशीला मोटर्स की पूरी टीम अब मोरिया 11 को सपोर्ट करती हुई ये जरूर हमें नजर आएगी, उनके सपोर्ट में वो है क्योंकि काफी अच्छी दोस्ती दोनों टीमों में हमें नजर आती है। लेकिन जयवंत लकिमले गेंदबाजी मार के ऊपर, गेंदबाजी में होगा परिवर्तन। दूसरे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद देखिए स्कूप कर दिया, काफी बढ़िया शॉट, गैप में गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाएगी और ये बल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है दिनेश नाटवे का, नंबर 4 का ये खूबसूरत चौका, फिर से एक बार मिलेगी 4 रन। थैंक यू डीजे। या ठिकाणी बोरगावचे सरपंच, विद्यमान सरपंच सुधीर दादा पाटील यांच्याकडून बोरगाव संघासाठी ऑफर आली आहे, प्रत्येक षटकाराला कोणी मारू द्यात 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे। थँक्यू। ₹100 का इनाम हर छक्के को दिया जाएगा बोरगांव के सरपंच जो है उनकी तरफ से। मैच क्यों रुका है? तो चलिए रुकावट को दूर किया जाएगा, फिर शकबार खेल की जा रही है शुरुआत। दूसरे ओवर की पहली गेंद पे एक चौका आया जो टीम के टोटल को बढ़ाता हुआ दिखाई दिया, 17 रन टोटल के ऊपर आ चुके हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा देखिए, अच्छी टाइमिंग इस गेंद पे नजर नहीं आई, शॉट स्क्वायर लेग में गेंद ट्रेवल होती हुई वहां पे दिखाई देने वाली है। आसानी के साथ एक सिंगल यहाँ पे आ चुका है। मोरिया 11 और वर्धानी 11 के बीच यह मुकाबला जारी है, सेमीफाइनल नंबर 2। पिछले मुकाबले में हमने देखा ओवर 11 टीम जिन्होंने जीत हासिल कर पहली टीम बन चुकी है, पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग सीजन 11 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम जो पिछले मुकाबले में स्वर्गीय रोजा पाटिल 11 को हराने के बाद पहुंच चुकी है ओवर 11। तो उनके साथ कौन सी टीम दो हाथ करेगी या पहले नंबर की ट्रॉफी उठाने के लिए, यह मुकाबला खत्म होने के बाद वो नतीजा हम तक पहुंचने वाला है। लेकिन एक सिंगल आया, टोटल अब 18 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या हो रहा है मैदान में ये बताना है हम तक। ये देखिए पहली गेंद
नो गेंद का अंपायर का बीमर का नो का इशारा आ चुका है। दुर्भाग्यशाली रहे बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद बाउंड्री के बाहर, ये पंजा यहाँ पे आ चुका है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, गेंदबाज को बदला। थैंक यू डीजे। शुभम नेमाने यांच्याकडून अमित पाटील साठी ऑफर आहे, प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं कॅश प्राइस दिले जाईल। ओवर टू माइक मानस। देखिए इनाम काफी लगाए जा रहे हैं। अमित पाटील मोरिया बोरगांव के एक बढ़िया खिलाड़ी और साथ ही साथ मोरिया 11 की तरफ से आज इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। ये देखिए अच्छा शॉट, छक्के के लिए 200 तो निकालिए भाई 200। ये आया छक्का डीप कवर बाउंड्री के बाहर। अमित पाटील ने कहा 200 लगाए तो खाते में जमा भी करवाइए। 6 रन। तो देखिए सम्मानीय सरपंच सुधीर पाटिल साहब, जिन्होंने 100 रुपए का इनाम लगाया था और शुभम जी निमाड़े इन्होंने 200, तो आपको जमा करना है, इनाम जमा करना है। 300 रुपए लग चुके हैं एक छक्के के लिए, और आएंगे तो और भी एटीएम खाली हो सकता है। लेकिन ये फुल टॉस गेंद फायदा उठाया, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। अमित पाटिल चला तो मतलब गेंदबाजों की शामत। 4 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। और अभी छक्का लगाया तो दत्ता साहब इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम अमित पाटिल को दिया जाएगा। दत्ता भड़कले साहब इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम अमित पाटिल के लिए आ चुका है। छक्का मारिए, काफी सारे इनाम आपके लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये गेंद फुल टॉस थी, टहलाना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन में गेंद ट्रेवल होती हुई दिखाई देने वाली है। एक सिंगल यहाँ से तो आ चुका है। टोटल की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद मोरिया 11 34 रनों तक पहुंच चुकी है। लेकिन श्री साई लाइव की भी हमें तारीफ करनी चाहिए क्योंकि 3 कैमरों के साथ ये टूर्नामेंट उनके जरिए कवर की जा रही है। काफी अच्छी क्वालिटी एंड क्लियरिटी हमेशा होती है। लेकिन ये देखिए गरम है लोहा मारा हथौड़ा, बहती गंगा में दिनेश नाटवे ने धोए हाथ। और यह वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर हवाई फायर, गेंद को बनाया उड़न खटोला और गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोला। ये 6 रन। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। टोटल की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 40 रन टोटल मोरिया 11 का स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। हर ओवर में वो लगभग 20 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाती हुई टीम मोरिया 11 नजर आ रही है। और 12 गेंदों में 40 रन अब तक पहली पारी में उनकी टीम की ये दोनों स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं। और सलामी बल्लेबाज मैदान पर मौजूद है, ये सबसे फायदेमंद बात मोरिया 11 टीम के लिए साबित होती हुई रही है। और वर्धानी 11 के गेंदबाज जिनको ये जोड़ी तोड़नी होगी ताकि वो रन जो है वो और कम बने, क्योंकि ये जोड़ी अगर चली तो लगभग 4 में 80 भी बन सकते हैं, क्योंकि 2 में तो 40 आए तो 4 में 80 बनना कौन सी बड़ी बात होने वाली है। लेकिन गेंदबाजी में फिर से एक बार परिवर्तन, विकी भारती जो निजी दूसरी तो टीम की ओर से 3 ओवर लेकर गेंदबाजी मार के ऊपर दाखिल होंगे, जो खुद टीम के कप्तान होने वाले हैं। और कैप्टन वर्सेस कैप्टन का होने वाला अभी मुकाबला, कैप्टन वर्सेस कैप्टन अमित पाटिल टू विकी भारती। लेकिन विकी भारती की एक गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला अलोंग द कार्पेट के जरिए। 3 ओवर का आगाज एक सिंगल के साथ होता हुआ मैदान पर नजर आ रहा है और 1 रन से अब टोटल पहुंचता हुआ दिखाई देगा 41 रन। हम श्री साई लाइव की तारीफ कर रहे थे, 3 कैमरों के साथ ये टूर्नामेंट कवर की जा रही है, अच्छी क्वालिटी एंड क्लियरिटी। तो श्री साई लाइव का भी हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे 3 अंपायर जिन्होंने 3 दिनों में काफी अच्छी अंपायरिंग की भूमिका निभाई है, उन 3 अंपायरों का हम जरूर स्वागत करेंगे। हमारे अंपायर हेमंत शेट्टी सर और अमित डांगरे सर और उनके साथ जय पवार सर, ये 3 अंपायरों का हम करेंगे शुक्रिया अदा, क्योंकि काफी अच्छी अंपायरिंग की भूमिका बतौर अंपायर निभाई जा रही है।
फुल टॉस गेंद, देखिए दिशाहीन गेंद और दिशाहीन गेंद को महज दिशा दिखाई, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर ये चौका, चार रन। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। वर्धानी 11 के सामने अब बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, तो ये जोड़ी को तोड़े तो कैसे तोड़े, इस जोड़ी का तोड़ निकाले तो कैसे निकाले, ये सबसे बड़ा सवाल वर्धानी 11 के गेंदबाजों के सामने खड़ा हो चुका है। लेकिन मोरिया 11 कह रहे अब नहीं, अब की बारी सिर्फ मेरी है और मेरी ही बारी। लेकिन ये गेंद डॉट आ चुकी है, स्लॉट में टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल भरी गेंद स्वीप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में छुआती हुई एक डॉट गेंद यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। मानस एक ऑफर है, अमित साठी ऑफर है, षटकारासाठी महेश माणिक 200 आणि शुभम नेमाने यांच्याकडून 200 चा कॅश प्राइस असेल। जी हाँ बिल्कुल, कैश प्राइस तो आ चुका है, लेकिन ये शॉट को खेला था नजाकत भरा स्ट्रोक, लेकिन नजाकत थी ताकत काम, लेकिन कैच को छोड़ा, कैच छूटा है, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच ऐसा ममूमन कहते हैं, लेकिन ये छोड़ा हुआ कैच और छोड़ा किसका, दिनेश नाटवे का, जिस खिलाड़ी ने अब तक 4 चौके और 1 छक्का अपनी पारी में लगाया है और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी बतौर बल्लेबाज अपनी टीम मोरिया 11 के लिए कर रहे हैं, उसी का कैच छोड़ा। पेन शहर मराठा समाज अध्यक्ष प्रवीण जी भाईकर साहब यांचं शुभागमन झालं, त्यांना विनंती आहे आपण स्थानपन्न भाव त्यांच्या समवेत पेन मराठा समाज हॉल साठी अहोरात्र झटणारे आमचे परम मित्र सचिन जी पवार साहेब यांचंही यथोचित स्वागत सन्मान, त्यांना विनंती की आपण या स्पर्धेचं आनंद घ्यावा आणि स्थानपन्न भावा। ओवर टू माइक मानस। देखिए जैसे ही कैच छूटा, लेकिन उसके बाद उस कैच का ज्यादा खामियाजा न भुगतना पड़ा, अगली गेंद पे एक विकेट चटकाया आसानी के साथ, लॉन्ग वॉक में लपका हुआ कैच दिनेश नटवे की बारी का अंत करता हुआ नजर आया और पहला छटका मोरिया 11 को यहां से दिया जाएगा। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, टोटल की अगर हम बात करें 47 रन बोर्ड के ऊपर आ चुके। दोपहर का सत्र शुरू है, पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 के सीजन 11 का ये रोमांच नाणेगांव के खूबसूरत मैदान के ऊपर जारी। रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार को मैदान से निकाला तो था लेकिन तलवार पे न थी धार, ये पासा उल्टा पड़ गया और अंपायर की उंगली यहाँ पे उठ चुकी है। दूसरा विकेट गिरता हुआ नजर आएगा बिना खाता खोले, 17 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी को हुआ खतरा और ये दूसरा झटका। थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर। ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर किया जा रहा है सेमीफाइनल नंबर 2, एक कड़ा मुकाबला है मैदान पर जारी। हमारे मेहमान देखिए मंच के ऊपर आ चुके हैं और एकता मंगलूर के ऊपर काफी मेहमानों का प्यार है, हमारे मंगे जी दरवी साहब इनके ऊपर काफी मेहमानों का प्यार है और वही प्यार दिखाते हुए पुणे से भी लोग आए थे इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे, यानी कि इतनी पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग की क्रेज है और इतनी मशहूरत इस टूर्नामेंट में हासिल की है। 3 ओवर का खेल हो चुका है, 3 ओवर तीन ओवर का खेल हो चुका है और 3 ओवर का खेल होने के बाद रन संख्या आ चुकी है कुल स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन। देखिए 2 में 40 आए थे, तीसरा ओवर विकी भारती लेकर आए थे, थोड़ा सा कमबैकिंग ओवर अपनी टीम वर्धानी 11 के लिए उन्होंने फेंका, खुद कप्तान है और कप्तान को अच्छी गेंदबाजी करना जरूरी होता है और उसी वजह से हमने देखा विकी भारती की मूविंग ओवर वो वर्धानी 11 को बैकफुट से फ्रंट फुट के ऊपर लेके आती हुई नजर आई और उस ओवर में 7 रन खर्च कर 2 विकेट छटकाने में कामयाब हो चुके हैं। फिर से एक बार विवेक बेलकड़े अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर, अमित पाटिल
जब तक मैदान पर मौजूद है तब तक रन आने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें हो सकती है टीम मोरिया 11 के लिए। लेकिन चौथे ओवर का आगाज तो एक डॉट गेंद के साथ हो चुका है। विवेक बेलकड़े काफी अच्छे ये खिलाड़ी है, काफी अच्छे गेंदबाज है। लेकिन ये अमित पाटिल ने गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा और ये छक्का आया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, लगभग आसमान को छू के गेंद आई जमीन के ऊपर, लंबा छक्का अमित पाटिल का बल्ला चौथे ओवर में भी बोलता हुआ दिखाई देगा। 6 रन। थैंक यू आईडीसी ऑपरेटर। मोरिया 11 टीम नंबर 1 की टीम है और उनकी टीम इस प्रीमियर लीग की शान। लेकिन ये देखिए चमकते चांद को टूटा तारा बना दिया और अमित पाटिल ने गेंदबाज को आवारा बना दिया। काउ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो देखिए हमारे सम्माननीय दत्ता भड़कले साहब जिनकी तरफ से अमित पाटिल इनको एक छक्के के लिए 500 का इनाम लगाया था, तो उन्होंने तो 2 लगाए और दत्ता भड़कले साहब इनकी तरफ से 500 का इनाम भी अमित पाटिल इनके लिए यहाँ पे आ चुका है। अमित पाटिल के अकाउंट में काफी अमाउंट अब क्रेडिट होती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। काफी भारी मात्रा में अमाउंट क्रेडिट हो रही है उनके अकाउंट में क्योंकि छक्के पे छक्के हुए वो लगा रही है। दोपहर में धूप ज्यादा है और गर्मी में गर्मी बढ़ाने का काम अमित पाटिल ने किया। फुल टॉस दोगे तो ये खिलाड़ी कहाँ चूकने वाला है, दिया मौका लगाया छक्का, छक्कों की हैट्रिक, 3 गेंदों पे 3 लंबे छक्के। नाम है अमित पाटिल और नाम लंबा चलने वाला है क्योंकि ये खिलाड़ी लंबे रेस का घोड़ा है। थैंक यू आईडीसी ऑपरेटर। लंबी रेस का घोड़ा कप्तान चला सीना तान और फिर हालत क्या होती है वरदान 11 से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैदान पे वो हालत हमें दिखाई देती हुई। टोटल 65 स्कोर कार्ड के ऊपर 65 आ चुका है। ये गेंद फिर से एक बार स्कट कर दिया लेकिन यहाँ पे मछली आई जाले के अंदर और जाते जाते ही सही, लेकिन विवेक बेलकड़े ने छटकाया एक बहुमूल्य विकेट। आग उगलता हुआ बल्ला अमित पाटिल के तूफान को थमाया और अमित पाटिल को भेजा पवेलियन में वापस। मोरिया 11 को दिया जाएगा एक और छटका। पैंसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल नजर आ रहा है। आखिरी गेंद इस ओवर में अब बचते हुए दिखाई देने वाली है। विवेक बेलकड़ी की ओवर और यह आखिरी गेंद इस ओवर की होने वाली है। गेंदबाज विवेक बेलकड़ी गेंदबाजी मार के ऊपर नजर आ रही है। प्रशांत भोसले अब गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज इनेट नंबर 4 के ऊपर आ चुके हैं। आखिरी गेंद होने वाली है वर्धानी 11 और मोरिया 11 के बीच सेमीफाइनल नंबर 2 का ये कांटे भरा मुकाबला मैदानी जंग। नानीगांव के मैदान के ऊपर आते ही अपने बाजुओं को खोला लेकिन ऊंचाई ज्यादा ताकत उतनी नहीं, दूरी उतनी नहीं, कैच की संभावना, लेकिन विकी ने ये कैच जो है आसानी के साथ था लेकिन उस कैच को छोड़ा, एक मौका दिया बल्लेबाज को और एक रन। इस कैच छूटने के चलते भी खामियाजा भुगतना वरदानी 11 को पड़ रहा है और इसी एक रन के चलते 4 ओवरों का खेल होने के बाद 66 रन टीम का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस ओवर की बात करें तो 19 रन विवेक बेलकड़े ने अपने ओवर में खर्च किए, एक विकेट उन्होंने जरूर छटकाई। विकी भारती ने जहां पे कमबैक करके दिया था
बैकफुट से अपने टीम को फ्रंट फुट के ऊपर खींचा था विकी भारती वर्धानी 11 के कप्तान ने, लेकिन फिर से एक बार अपनी टीम को फ्रंट फुट पर लाने का काम किया अमित पाटिल ने। और भले ही पवेलियन में वो पहुंचे हो, लेकिन जिस काम के लिए उनको भेजा था वो काम उन्होंने किया। 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 13 गेंदों में 35 रनों की पारी अमित पाटिल की टीम मोरिया 11 को 66 के ऊपर 4 ओवर में पहुंचाते हुए नजर आएगी। आखिरी डेथ ओवर होने वाला है और डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज आ चुके हैं नयन नाइक गेंदबाजी मार के ऊपर दाखिल। आखिरी डेथ ओवर होने वाली है, बल्लेबाज आप देखते हैं ना ताव, बस बल्ला घुमाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रन आखिरी ओवर में आ पाए। लेकिन पहली 4 में 66 आने के बाद वर्धानी 11 के गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा सा दबाव होने वाला है, लेकिन 5वें ओवर की शुरुआत यहाँ पे जरूर दिखाई देगी। इससे पहले जितने भी टूर्नामेंट बतौर कमेंटेटर में यहाँ पे मौजूद था, दर्शक उतने नजर नहीं आए थे दोपहर के सत्र में, लेकिन पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग जो त्योहार है पेड़ पूर्व विभाग का और उस त्योहार का आनंद लेने के लिए दर्शक सुबह से लेकर शाम तक काफी भारी मात्रा में जो 4 टेंट्स लगाए गए हैं इस टूर्नामेंट के चलते, उन टेंट्स में काफी दर्शक आज इन मुकाबलों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन 5वें ओवर का आगाज मैंने दबाव की बात की और वो साफ झलकता हुआ गेंदबाज के ऊपर हमें नजर आएगा। व्हाइट के साथ 5वें ओवर का आगाज हो चुका है, 1 रन के साथ होगा टोटल में इजाफा और 67 रन आएंगे टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। नागे काका हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये गेंद पुल कर दिया, उतनी ताकत नहीं, लेकिन फिर से एक बार कैच छूटा। ये कैच काफी भारी मात्रा में छोड़े जा रही है। केतन पाटिल सर, आपसे पूछना जरूर चाहूंगा कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? ना बिल्कुल बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक दबाव सा नजर आ रहा है और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज बता रही है टीम की, ऐसे लगा है कंधे झुकाए। कंधे झुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सामने वाली बड़ी टीम के नाम बड़े बड़े हो, खिलाड़ियों के नाम बड़े हो, लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि जिस तरह आपका खेल अब तक खेला है आपने, उसी तरह का खेल आपको खेलना है। विवेक बेलकड़े की गेंदबाजी से ये उम्मीद नहीं थी, 3 गेंदे फुल टॉस और जिस तरह से मार पड़ी है उनको, 3 छक्के दागे। और टू माइक, जी हाँ बिल्कुल, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बैकवर्ड रिजन में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पॉजिटिव नजराई 4 रन। अच्छा जिक्र केतन पाटिल सर ने किया कि दबाव हुआ है लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है और आपके आत्मविश्वास पर आपको भरोसा रखना काफी जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो हम हमेशा कहते हैं, और वो आत्मविश्वास के साथ खेलिए, चाहे 4 में 66 हो, चाहे 160 क्यों ना हो, लेकिन आपको आपका आत्मविश्वास हमेशा ऊंचाई के ऊपर रखना है। लेकिन ये गेंद कमबैक करती हुई नजर आ रही है, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद डॉट नजर आएगी और काफी समय के बाद ही सही, लेकिन एक डॉट गेंद आती हुई नजर आएगी। लगभग अगर हम बात करें तो 8 गेंदों के बाद ये एक डॉट गेंद यहाँ पे इस पारी में अब नजर आने वाली है। टोटल रुक चुका है 72 रन, 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर जड़ में डाली है यॉर्कर लेन की गेंद, द मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरी बाय अ बॉलर क्रिकेट में अगर कौन सी कही जाती है तो वो यॉर्कर लेन, और वही नजर आया गेंदबाज नयन नाइक के चलते, और अब डॉट गेंदों पे डॉट गेंदे आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पहले ही रनों का माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जा रहा है और उस पे चढ़ाई करते हुए वर्धानी 11 के बल्लेबाजों को दूसरी पारी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसी वजह से ये आती हुई डॉट गेंद थोड़ी सी उनको राहत देती हुई नजर आएगी। ये देखिए मौका मिला हाथ खोलने का, लेकिन डीप पॉइंट में खिलाड़ी को तैनात किया गया है, खूबसूरत आसानी के साथ कैच को लपका और विकेट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बल्लेबाज करण जे दे जाएंगे पवेलियन में वापस। देखिए 72 रन टीम टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है।
73 रन नागरी काका ने हमें बताया कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल है, अगर उसको पार करना है मोरिया 11 को तो 2 रन इस गेंद पे आने चाहिए, यानी कि हाईएस्ट टोटल मोरिया 11 के नाम इस टूर्नामेंट का अब तक हो सकता है अगर 2 रन आए तो। ये गेंद शॉट को खेला, अंपायर की तरफ अपील की जा रही है, अंपायर का कोई डिसीजन हमारी तरफ नहीं आया, मिसिंग लेग शायद ये गेंद हो सकती है, लेग बाइस के इशारा आ चुका है और आखिरी गेंद पे मिला एक सिंगल लेग बाइस के चलते, तो इसी सिंगल के साथ मोरिया 11 टीम ने पहले पारी में रन बनाए वो 73 रन इक्वल इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट टोटल को किया जा रहा है और वर्धानी 11 के सामने सेमीफाइनल नंबर 2 में खेलते हुए रन बनाए 73, तो आने वाली 30 गेंदें और जीत के लिए लक्ष्य रखा जाएगा। 11 के सामने 74 रनों का माउंट एवरेस्ट खड़ा किया है और वर्धानी 11 को और उनके टीम ओनर को अगर उनके खिलाड़ियों को खुश करना है तो वो 30 गेंदों में 74 रन बनाकर अपनी टीम को ओवी 11 के साथ फाइनल में दर्ज करना होगा, लेकिन मोरिया 11 की टीम इतनी आसानी से तो ये होने नहीं देगी क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, शुरुआत आक्रामक होना जरूरी है तो ही ये रन पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन 30 गेंदें और पीछा करने के लिए हम जरूर आपको लेके जाना चाहेंगे, 30 गेंदे और पीछा करना है 74 जैसे बड़े लक्ष्य का, लेकिन उसका पीछा करने के लिए हम जरूर आपको लेके जाएंगे पेन तहसील की मराठी हिंदी की एक मशहूर आवाज और हमारे दोस्त, हम चलेंगे हमारे सीनियर को, इनामों की राशि लगाई जा रही है वर्धानी 11 तो, लेकिन हमारे जो पैकर है सुशीला मोटर्स के जिन्होंने टीम पैक की थी विघ्नहर्ता मुंडे जो सुशीला मोटर्स के प्रोप्राइटर होने वाले हैं, उन्होंने एक इनाम लगाया, हर एक डॉट गेंद को ₹50 का इनाम दिया जाएगा, वो टीम मोरिया 11 के गेंदबाज के लिए ₹600 हमारे पास जमा हो चुके हैं, यानी कि जितनी भी डॉट गेंदें आएंगी उन सभी एक डॉट गेंद के पीछे ₹50 जो विघ्नहर्ता मुंडे सुशीला मोटर्स के प्रोप्राइटर जिन्होंने लगाया हुआ इनाम, यानी कि पूरी तरीके से सुशीला मोटर्स बाहर जाने की बात की मोरिया 11 को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और 30 गेंदों में रन बनाने हैं 74 वर्धानी 11 को जीत के लिए हम चलेंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर केतन पाटिल सर इनके पास, शुक्रिया, थैंक यू। निश्चितपणे सगळ्या उपस्थित व्यासपीठावरती आमचे सर्व मान्यवर आणि क्रिकेटचे सर्व चाहते यांचं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो आणि विशेषतः एक महत्त्वाचा अनाउन्समेंट, काही दिवसातच 19 फेब्रुवारी आपल्या राजांचा दिवस शिवजयंती उत्सव चांदेपट्टी या गावामध्ये अचानक ग्रुप मित्रमंडळाने ठेवलेला आहे, त्या ठिकाणी दुपारी 12 ते 1 वाजता शिवव्याख्यान शिवश्री विकी कदम प्रवक्ते शिवराज्य प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य यांचं असणार आहे, तर आपल्या विभागातील सर्व शिवप्रेमींना विनंती आहे की आपण तिथे निश्चितपणे भेट द्यावी, मुक्काम चांदेपट्टी शिवजयंती उत्सव 19 फेब्रुवारीला हा मोठा सोहळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे, क्या बात है, प्रत्येक डॉट चेंडूसाठी ₹50 कॅश प्राइज लावलंय विघ्नहर्ता मुंडे सुशीला मोटर्स चे प्रोप्रायटर ज्यांनी मोरिया 11 संघासाठी ऑफर लावली आहे, या ठिकाणी या व्यासपीठावरती स्थानपन्न असणारे पेन शहर मराठा समाज अध्यक्ष आदरणीय प्रवीणजी बैकर साहेबांचं यथोचित स्वागत सन्मान केलं जात आहे, गेले कित्येक वर्ष सातत्याने समाजासाठी झटणारी ही व्यक्तिमत्व आपल्या कर्तृत्वातून आपल्या नेतृत्वातून आज समाजात एवढ्या मोठ्या उंच शिखरावर सामाजिक कार्य करण्याची एक मोठी जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावरती, असे अर्थातच प्रवीणजी बैकर साहेबांचं यथोचित स्वागत सन्मान या व्यासपीठावरती केलं जात आहे, एकदा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या आल्या पाहिजेत मित्रो, कारण समाज उपयोगी माणसं समाजात फार कमी असतात, त्यातलंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रवीणजी बैकर साहेब, त्यांच्या समवेत या व्यासपीठावरती आज मी थोड्या वेळापूर्वी ज्यांचा आवर्जून उल्लेख केला की मराठा समाजाचं हॉल जो आज मोठ्या ताकदीने उभा आहे त्यासाठी संघर्षमय अगदी सुरुवातीपासून ज्यांनी मेहनत घेतली आणि अगदी आत्ताही जे कार्यरत आहेत अशी सचिनजी पवार साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी होत आहे, दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये मोठा फटका आलाय, व्हॉट अ शॉट बाय रुपेश तळवी, जस्ट लाईक अ रॉकेट क्रॅकिंग हिट, चेंडू सरळ डीप लॉंग लेग बाउंड्रीच्या वरून हा षटकार आलाय, डीजे चार मॅचेस मध्ये लगातार अपयश
रुपेश दळवीला मिळाला आहे आणि त्या अपयशी भरपाई अपयशाची भरपाई करण्याची आता संधी आहे. कारण आता जर केलं नाही तर भविष्यात कधीच नाही. डू ऑर आय सिच्युएशन, करो या मरो. या सिच्युएशनला रुपेश दळवी जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत 74 धावा सुद्धा चेस होऊ शकतात असा संकेत देतो रुपेश. षटकार आलाय, धाव संख्या होती ती 7. क्रॉस द लाइन खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला चेंडू खेळून काढलाय, एक धाव त्या ठिकाणी प्राप्त झाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा कम्फर्टेबली पूर्ण. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. नॉन स्ट्राइकला विवेक बेलकडे जेवढी मार पडले तेवढी भरून काढायची आहे कारण त्या षटकात 22 धावा कुठल्या होत्या, 19 धावा कुठल्या होत्या, त्यामध्ये 3 षटकारांचा समावेश. त्यामुळे त्या 19 धावा आता आपल्या बॅट मधून कव्हर करायच्या आहेत. सांघिक धाव संख्या ऑन स्कोरबोर्ड 9 धावा विदाउट लॉस. रिवर्स अटॅम अगोदरच मन बनवलं होतं, यावेळी थोडस कॉलिंग चुकलं बट लास्ट मोमेंट पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज सुरक्षित. शेवटचं क्षण विजय टीम राजा पाटील 11 संघासोबत दुसरी सेमीफायनल खेळेल आणि हा क्वालिफायरच्या मॅच मध्ये डू ऑर डाय सिच्युएशन, करो या मरो. इथून जिंकलात तर पुढची स्टेज कन्फर्म, पराभूत झालात तर घरचा रस्ता कन्फर्म. सितेश शिंदे लोअर फुलटॉस, हा आला ब्रँडेड जस्ट लाईक अ रॉकेट, उडवलाय उडवलाय रुपेश दळवीच्या बॅट मधून दुसरा षटकार. आहा, मी म्हटलं होतं की जोपर्यंत रुपेश दळवी नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत वर्धनी 11 संघ 75 का 100 धा गाठू शकते. ही ताकद आहे, हे शौर्य आहे या खेळाडूकडे. 2 षटकार आणि रुपेश दळवी 4 मॅचेस कि जंग हथियारों को लगता है इरादों को नहीं. इरादे अगर मजबूत हो नेक हो तो सफलता कदम चूमती है. आणि आता रुपेश दळवी जो नावाचा ब्रँड आहे मिस्टर व्हीपीएल जी वरुणा प्रीमियर लीग झाली होती त्याला मॅन ऑफ द सिरीजचा पारितोषिक घेणारा खेळाडू आता त्या नावाचं दबदबा तुम्हाला या पटलावरती सिद्ध करावं लागेल कारण इथे नाही तर कुठे नाही. या वर्षाचा शेवट आहे पीपीएल पेन बुरबा प्रीमियर लीगचं हे 11वं सीझन आणि इथे हिरो व्हायचा आहे तर या स्टेजवरती तुम्हाला खेळावंच लागेल. वर्धानी 11 संघाला जर या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर रुपेश दळवी आणि विवेक बेलकडे याला बॅटिंग करावी लागेल, नो डाऊट. आणि त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे. धाव संख्या ऑन स्कोरबोर्ड 17. अगोदर झालेल्या सर्व फ्लॉप इनिंग विसराव्या लागतील कारण भविष्य उज्ज्वल आहे या मॅच मध्ये खेळला तर. ऑफ स्टंप वरती कट करण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही, विकेट कीपरला चकवून चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनला ढकलला जाते 1 धावेसाठी. या 1 धावेने सांघिक धाव संख्या ऑन स्कोरबोर्ड 18. पेन तालुक्यातील राजकारणातील एक मास्टर माइंड ज्यांना आम्ही ओळखतो आदरणीय कैलासवासी मोहनराव पाटील साहेबांच्या अगदी सोबत राहून सातत्याने एकनिष्ठपणे ज्यांनी काम केलं असे भाऊ इरणकर साहेबांचं शुभागमन झालंय. एकदा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मित्र, क्रिकेटची अत्यंत आवड, सातत्याने प्रत्येक व्यासपीठावरती जातीने हजेरी. शॉर्ट आर्म पुल केलाय, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय, 1 बाउन्स, चेंडू सरळ सिद्धेशच्या हातात जातोय मात्र 1 धावेने स्ट्राइक रोटेट करत या मॅचला कव्हर करण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांचा आपण पाहतोय. पार्टनरशिप चांगली बिल्ड झाली, 19 धावा ऑन स्कोरबोर्ड जमा झाल्यात. विवेक बेलकडचा बॅट आतापर्यंत शांत दिसतोय, त्याला चमकावं लागेल.
आवश्यकता है त्याच्या दोन मोठ्या फटक्यांची। पुढच्या चेंडूवरती मोठा फटका अपेक्षित आलाय, फटका फसलाय, काय या ठिकाणी जेल होणार। नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडलाय, एक धाव कम्फर्टेबली पूर्ण, दुसरी धाव सुद्धा सुरक्षितरित्या पूर्ण। या दोन धावा आणि तब्बल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती 21 फॉर लॉस ऑफ 0। 74 धावांचं डोंगर माउंट एव्हरेस्ट चढायचं आहे। खरं तर विचार केला तर क्रिकेटच्या पटलावरती अशा पद्धतीने आपण धावा चेस करू शकता। कॅबिल तुमच्याकडे ती ॲबिलिटी आहे, कॅपॅसिटी आहे, ती सिद्ध करायला पाहिजे फक्त। आलाय, म्हटलं होतं मी, म्हटलं होतं की विवेक बेलकडाला समकावं लागेल आणि या सिटीज त्याच्या बॅट मधून आला एक उत्तुंग षटकार। डीजे थैंक यू डीजे, 27 ऑन स्कोर बोर्ड, मैच ला कवर केलाय। आता मात्र वर्धानी 11 टीम संपूर्णपणे हावी होताना दिसतेय, कारण 74 धावा जिथे खूप मोठं डोंगर वाटत होतं ते कुठेतरी कमजोर करण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे विवेक आणि रुपेश तळवीच्या बॅट मधून आपण पाहतोय। हे बॅटल आहे क्रिकेटचं आणि ज्या पद्धतीने खरं तर अमित पाटील रुपेश तळवी वैयक्तिक जीवनात खूप चांगले मित्र आहेत, परंतु क्रिकेटच्या युद्धामध्ये कोणी आपला मित्र नसतो, आपला शत्रू नसतो। क्रिकेट हा आपल्या टीमसाठी, आपल्या ओनरसाठी आपल्याला खेळावं लागतं आणि तेच या ठिकाणी सिद्ध होत आहे। वेल बॅटिंग, हा यावेळी ऑफ एस्टीवरचा चेंडू बॅट्समन कट करण्याचा प्रयत्न केलाय। वन बाउन्स चेंडू सरळ विकेट किपरच्या जाळ्यात जाऊन आदळतोय, डॉट चेंडूची सांगता। स्थिरावले धावसंख्या ती तब्बल 27 वरती। धीरज पुन्हा एकदा ऑफिसची वरती चेंडू होता, पंच त्याला पनिशमेंट करतायत निश्चितपणे, कारण खूपसा बाहेर चेंडू असल्यामुळे एक धाव एक्स्ट्रा स्वरूपात समोरच्या टीमला दिली जाते आणि ऑन स्कोर बोर्ड एक धावीने धाव संख्या वाढते ती 28 फॉर लॉस ऑफ 0 विकेट। व्हॉट अ ओपनिंग पार्टनरशिप रुपेश तळवीने आज सिद्ध केलाय। कालचा दिवस माझा नव्हता, परवाचा दिवस माझा नव्हता, परंतु आजचा दिवस हा सोन्यासारखा बनवण्याची संधी। क्या बात है, क्लास स्क्वेअर कट। क्षेत्ररक्षक दिनेश नाटमे चेंडूच्या मागे, एक धाव सुरक्षितरित्या त्या ठिकाणी कंप्लीट होईल। षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी संपलंय, दोन षटकात सर तब्बल धावा आल्या ते 29 आणि येणाऱ्या 18 चेंडूत फक्त 45 धावा हव्यात। 15.00 ची सरासरी आहे, त्याच्यामुळे 6 चेंडूत 15 धावा या पटलावरती अशक्य नाहीये, कारण एकही विकेट अजून माघारी गेली नाहीये। याचा अर्थ वर्धानी 11 टीम आता मात्र संघर्ष करत असताना हावी ठरताना पाहायला मिळते। या विभागातील उद्योग क्षेत्रातील एक मोठं नाव आणि खऱ्या अर्थाने समाजात आपल्या नावाची एक वेगळी ओळख ज्यांनी निर्माण केली असे RC पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती आपण स्थानपन्न व्हावं। खर तर आपल्या मुलाच्या टीमचे सातत्याने गेले 11 वर्ष त्यांची टीम या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी खेळते आपण पाहिलंय। किरणजी पाटील त्यांचे चिरंजीव आहेत। मॅच कडे वळूया जिथे 12 चेंडू मध्ये तब्बल धावा आल्यात ऑन स्कोर बोर्ड 29, जिथे पहिल्या षटकात आल्या होत्या 17, दुसऱ्या षटकात 12 आणि आता तिसरं षटक कोणाकडे सोपवणार कॅप्टन, कारण आता जबाबदारी खूप मोठी आहे, कारण या 7 चेंडू मध्ये मॅचचं पुढचं भवितव्य सुनिश्चित असेल। दयानंद भस्मा द मॅन फ्रॉम सापोली, सातेरीचा हा खेळाडू आणि याच्यावरती खूप मोठी मदार असेल आपल्या संघाची। ऑन स्ट्राईक विवेक बेलकडे, आयकॉन प्लेयर, जबरदस्त फटका। म्हटलं होतं की या खेळाडूकरती ताकद आणि क्षमता आहे आणि आता मात्र मोरिया 11 संघाचे धाबे दणाणलेत, कारण आवश्यकता होती अशाच फटकेबाजीची, तो फटका आलाय विवेक बेलकडेच्या बॅट मधून ऑन अ षटकार। डीजे थँक्यू विवेकने सिद्ध केलंय क्रिकेटच्या या पटलावरती। समोरची आपल्या गावाची टीम जरी खेळत असली तरी सुद्धा मला प्रेक्षकांचं मन जिंकायचंय
आणि आज विवेक रीत सिद्ध केलाय. व्हॉट अ बॅटिंग, क्लास बॅटिंग. पुन्हा एकदा मोठा फटका आलाय. यावेळी काय फटका फसलाय? यस यस इट इज. स्वतःच्या सख्या भावानी घेतलेला झेल. फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. पहिली तेरी तो दुसरी मेरी दाखवलाय सातेरीचा खेळाडू दयानंद भस्मा यांनी, कारण याच्या अगोदरच्या चेडू षटकार आला होता, त्याच्यानंतर पडलेला हा विकेट. जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे विवेकसाठी. जबरदस्त बॅटिंग त्यांनी केली. आपल्या सांघिक खेळाच्या जोरावरती आपल्या संघाला सुस्थितीत नेऊन ठेवलंय. डीजे साठी संधी आहे. वेल बॅट, वेल बॅट. चांगलं या ठिकाणी कम बॅक करण्याची संधी या चेंडूवरती मिळाली दयानंदला, त्याच्या टीमला. कारण दोन्ही बॅट्समनचं जे बॉडी लँग्वेज आपण पाहत होतो, दोन्ही बॅट्समननी ठरवलं होतं की या मॅचला संपवायचं आहे लवकरात लवकर. विकी भारती टॉप रन्स मध्ये आता घोड्यावरती स्वार आहे. 113 धावा आदळला आणि त्याच्यामुळे रुपेशला माघारी परतावं लागलं. तरी संधी होती. त्यांनी रॅपिडली मागे आला असता, फास्ट मागे आला असता तर त्याला संधी होती. प्रेझेंट ऑफ माइंड क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाचा असतो. बेल्स पडल्यानंतर स्टंप उचलणं गरजेचं होतं आणि ते नंतर ऍक्च्युली गोलंदाजाने उचललं. चला आपण मॅच कडे वळूयात. 6 चेंडूत 17 धावांची खेळी केली रुपेश दळवीने. व्हॉट अ क्लास बॅटिंग, चांगला परफॉर्मन्स केलाय. जिथे त्याला अजून 4-5 बॉल जर मिळाले असते तर मॅच अजूनही जवळ जाण्याची चिन्ह पाहायला मिळाले असते. तर आमच्या विनंतीला मान देऊन ज्यांची उपस्थिती आम्हाला मिळते, पेंट पूर्वभाग क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मंगेशजी काइंडकर साहेब, आंबेगर ग्रुप ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हावं. मॅच कडे वळ्यात. नवीन फलंदाज अतुल जाधव, मॅन फ्रॉम जावळी. आता या मॅच मध्ये काय होणार, कारण अनपेक्षितपणे एक गोष्ट घडली जिथे रुपेश दळवीला माघारी परतावं लागेल. आणि आता मात्र जे 34 धावांचं समीकरण आहे ते आता कठीण वाटते परंतु अशक्य नाही. धीरज शॉर्ट चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न देखील होता. अंटिल लास्ट मुवमेंट प्रॉपर बॅटवर चेंडू कनेक्ट झाला नाही. विकेट किपरच्या जाळ्यात जाऊन चेंडू आदळतोय. डॉट चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता आणि आता मॅच थोडीशी अवघड परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळते, जिथे 10 चेंडू आणि 34 धावांची गरज. एक मोठा फटका मॅच मध्ये कमबॅक करून देऊ शकतो. ऑफ साइड ला कट केलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. काय इथे दुसरी धाव पूर्ण होणार? थर्ड अंपायर घेतलाय, अंपायर रिव्ह्यू आहे. चेक करूयात आपण मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलंय. परंतु दशरथ सर, एक छोटासा प्रश्न असेल. एवढ्या वर्षी आपण पीपीएल सारखी मोठी स्पर्धा खेळतोय, मागे सुद्धा ज्या पद्धतीने जी आता टॉप 2 मध्ये जी टीम पोहोचली ओव्ही 11, खरोखरच त्यांनी अगदी संघर्षमय पद्धतीने स्पर्धा जिंकली. विशाल सावंतची खेळी आपण पाहिलीत, फायनलमध्ये त्यांनी प्रवेश केलाय. आणि त्यानंतर आत्ताच्या या डू ऑर डाय सिच्युएशनमध्ये बघा, क्रुशियल मुवमेंट आले. साई स्ट्रायकर जशी बाहेर पडली तिथे संधी मिळाली वर्धन 11 संघाला. ही क्रिकेटची एक्साइटमेंट किंवा जे आपण लीग स्टेजच्या मॅचेस नंतर जे चित्र पाहतो ते हे सगळं एन्जॉय पाहायला मिळतं. आपण काय सांगाल या सगळ्या गोष्टीबद्दल? निश्चितच, म्हणून तर पहिल्या सामन्यापासून आपण जे काही कॅल्क्युलेशन असतं रनरेटचं किंवा मिळालेल्या विजयानंतरच्या गुणांचं, समोरच्या आपल्या संघाने किती गुण मिळवलेत, त्यानंतर त्यांचा साईज स्ट्राईक रेट काय, हे सगळं कॅल्क्युलेशन करून खेळणं गरजेचं असतं. अतुल आवडे, अतुल बरोबर आहे, विकी नॉन स्ट्राईकला राहील. फलंदाज या ठिकाणी माघारी परततोय. विकेट नंबर 3 तंबूच्या आसऱ्याला पोहोचते आणि आता मॅच थोडासा फसलाय. खर तर वर्धन इलेव्हन संघाच्या बाजूने विचार जर आपण केला तर, कारण मोठी धावसंख्या होती, सुरुवात खूप चांगली मिळाली होती. रुपेश दळवी आणि विवेक बेलकडे सारख्या फलंदाजांनी चांगला पवित्रा घेतला होता, पण ते सातत्य त्यांना टिकवतं आणि त्यांचा विकेट मिळाल्यानंतर मॅचमध्ये संपूर्ण पकड मजबूत केली.
मोरिया इलेवन संघाने आणि यातली विनिंग टीम जी राजा पाटील इलेवन संघासोबत दुसरी सेमीफाइनल खेळेल काय होणार जबरदस्त मॅचेस आपण पाहतोय सकाळच्या सत्रापासून गेले तीन दिवस सातत्याने रखरखत्या उन्हात सर्व स्पर्धक सर्व खेळाडू क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत धीरज प्रेक्षकांनी सुद्धा खूप मजा घेतली ऑफ ड्राइव केला मिस फील्ड दिनेश नाटमेने चांगला कवर केलाय एक धाव फक्त त्या ठिकाणी बॅटिंग फेवर मध्ये जमा झाली आहे आणि या एकेरी धावेने तब्बल धाव संख्या ऑन स्कोर बोर्ड 42 धावा आता आवश्यकता आहे ती शेवटचे 8 चेंडूनी 32 धावा या षटकात दोन मोठे फटके खरं तर यायला पाहिजेत कठीण वाटते कारण आता विकीला स्ट्राइक आहे धीरज मोठा फटका आलाय क्लास हिट माइटी हिट बाय विकी भारती जस्ट लाइक अ रॉकेट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री वरून हा प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक बाय विकी भारती षटकार ऑन स्कोरबोर्ड धावा जमा झाल्यात 48 धावा झाल्यात 7 चेंडूत 26 धावांची गरज आहे एक जर षटकार आला तरी सुद्धा मॅच बनू शकतं लक्षात घ्या क्रिकेटचं हे मोठा फटका आलाय काय इथे मोठा फटका कन्वर्ट झालाय की नाही जेल ड्रॉप दोन चान्स मिळालेत विकीला दोन कॅचेस ड्रॉप झाल्यात आणि शेवटच्या षटकात स्लॉग षटक डेथ ओव्हर काय होणार कारण शेवटचे 6 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता आणि स्ट्राइक कोणाला आहे विकी भारतीला सिद्धेश सारख्या खेळाडूकडून जेल ड्रॉप झालाय आणि खर तर मॅच थोडासा अजूनही कठीणच आहे वर्धान इलेव्हन संघाच्या बाजूने विचार केलात पण ओव्हरऑल जर आतापर्यंत विकीचा प्रवास आपण पाहिलात जो टॉप बॅटिंग मध्ये खेळतोय आणि अशा खेळाडूला जर आपण संधी देता याचा अर्थ त्या संधीचं त्याला सोनं करता येऊ शकतं कारण ती ताकद त्याच्याकडे आहे क्षमता आहे 6 चेंडू मध्ये 24 धावा तो मारू शकतो कारण शेवटच्या 6 चेंडू जर 4 चौकार त्याने खेचले तरी सुद्धा मॅच ते जिंकू शकतात 4 षटकार खेचले तर बघूया काय घडतं स्ट्राइक त्याच्याकडे आहे शेवटचं षटक सोपवलंय दोन खेळाडूने ती करामत केलेली आहे मंथन भोईर आणि हेमंत गोळे ज्यांनी 4 चेंडूंवरती एका षटकात 4 चेंडूंवरती 4 षटकार मारले त्याच्यामुळे ती संधी विकीकडे आहे बघूयात प्रशांत भोसले नाही पहिला चेंडू डॉट प्रेशर बनतोय प्रशांत भोसलेचा हा चेंडू अगदी रॅपिडली आपण पाहिला प्रयत्न चांगले केले होते विकी भारतीयांनी परंतु यश मात्र मिळालं नाही चेंडू सरळ विकेट किपर कडे पोहोचतोय शेवटचे 5 चेंडू आणि 24 धावा 5 चेंडू आणि 24 धावांचं समीकरण आहे प्रशांत क्षमा असावी 25 पाहिजेत बॅटच्या मिडलला चेंडू लागतोय आणि सरळ सीमा पार विकी भारती ऑन फायर षटकार आलाय चार चेंडू 19 धावा जिथे 25 हवे होते तिथे षटकार आलाय क्या बात है विकीने या षटकाराने एक थोडस मॅचला ऊर्जा देण्याचं काम केलंय आता या चेंडूवर जर षटकार आला तर मात्र गोलंदाज सुद्धा या ठिकाणी थोडासा कमजोर पाहायला मिळू शकतो बट काय होणार चार चेंडू आणि 19 धावा फुल टॉस नो बॉल ओ माय गॉड मॅच मध्ये काय घडते बघा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत विकी भारतीची ही जर खेळी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात कारण या खेळाडूंनी मॅच जिंको या हारो हे महत्वाचं नसतं आपण आपल्याला कसं सिद्ध करतो हे महत्वाचं असतं फ्री हिट नेक्स्ट बॉल फ्री हिट चला बॉल द्या काय घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये डीजे तुम्हाला फक्त 2 मिनिटं संधी देतो आम्ही डीजे लावा
500 चा क्रॅश कॅश प्राइस आलाय विकीला. दिने बॅक टू बॅक दोन षटकार मारलेत पप्पू ठोकले आणि ओमकार ठोकले. खेळावत बुद्धिबळातल्या वजीरासारखं, कारण अख्ख्या खेळात समोरच्या बादशाहला भीती आणि दहशत वजीराचीच असते. आणि आज विकी भारती ती भूमिका सिद्ध करताना शेवटचे चार चेंडू 12 धावांची गरज मॅचला बनवलंय विकी भारतीने. व्हॉट अ क्लास बॅट्समन, ही इज आयकॉन, रिअल आयकॉन. काय गरज नव्हती, गरज नव्हती, आवश्यकता नव्हती. जिथे सरळ बॅटने धावा होत होत्या तिथे अशा पद्धतीने तुम्ही खेळी करता. जिथे फ्री हिट होत तुम्हाला सरळ बॅटनेच खेळायचंय. गोलंदाजाने चांगलं कम बॅक केलंय त्याची सुद्धा तारीफ व्हायला पाहिजे. प्रशांत भोसलेसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण अशा प्रेशर सिच्युएशन मध्ये त्यांनी या चेंडूला डॉट टाकणं म्हणजेच या मॅच मध्ये शेवटपर्यंत चित्त थरारक ही मॅच होण्या शंका नाही. दोन तीन चेंडू आणि 12 धावे हवेत. धावा झाल्यात ऑन स्कोर बोर्ड 62. शेवटच्या षटकात 25 हवे होत्या, 13 धावा आल्यात, 12 धावा हव्यात. ओके, एक नो बॉल होता त्याच्यामुळे. शेवटचे तीन चेंडू विजयासाठी 12 धावा. फ्री हिट होत विकीने, खरं तर जरी एक चेंडू डॉट गेला असा प्रेशर घ्यायची गरज नाही, कारण त्यांनी दाखवून दिलंय या मॅचला बनवलंय त्यांनी. मॅच कोणी जिंको, मॅच अप्रतिम झालाय, याला म्हणतात पीपीएल, क्रिकेट जिंकलाय. क्लीन बोल्ड प्रशांत 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 या खेळाडूंनी संपूर्ण माहोल शांत करून टाकलाय. डीजे वॉटर बॅटिंग. 14 चेंडूत 24 धावेंचा खेळी करणारा विकी भारती हा माघारी परतलाय. खरं तर आत्ता या परिस्थितीत आपला संघ खूप अडचणीत सापडलाय. लक्षात घ्या अजूनही दोन चेंडू आहेत, दोन चेंडूंमध्ये 12 धावेंची गरज आहे. या चेंडूवरती जर षटकार आला तरी काही घडू शकतं मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु पीपीएल पर्व 11 याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्रिकेटच्या या पटलावरती आपल्या सगळ्यांनाच एन्जॉयमेंट का पाहायला मिळाली. व्हॉट अ क्लास मॅच. नवीन फलंदाज निखिल ऑन स्ट्राइक. मोरिया 11 संघाने 73 धावा रचल्या होत्या, असं वाटलं होतं की सामना एक बाजूने पूर्ण जाईल, परंतु कडवी झुंज दिली वर्धानी 11 संघाने. शेवटपर्यंत संघर्ष केला, सामना कुणी जिंकू द्यात यानंतर रिझल्ट काय लागेल आपल्याला माहिती नाही, तो येणाऱ्या काळात समजेल, बट मॅच मात्र अप्रतिम झालाय. हो हो प्रशांत भोसले लगातार तीन चेंडू निर्धाव, बॅक टू बॅक तीन चेंडू डॉट. आणि या तीन चेंडूवरती 150 रुपये कन्फर्म. एक धाव त्या ठिकाणी प्राप्त झाले. मॅच आता मात्र कव्हर करणं आवश्यक आहे. 11 धावा एक चेंडू मध्ये आव्यात. विकी भारती हा जर स्ट्राईक वरती अजूनही असता तरी सुद्धा आशा असू शकल्या असत्या, बट वर्धानी 11 संघाने पैसा वसूल मॅच दिलाय, पैसा वसूल. पीपीएल हेच तर आहे पेन पूर्वभाग प्रीमियर लीग. शुक्रवारच्या सकाळी आम्ही सांगितलं होतं आपला सण आहे, या सणाचा आनंद आपण असाच घेतो, लक्षात घ्या. रिव्हर्स अटेम्प्ट जो विकी भारतीचा तिथे आपण पाहिला तो फटका चुकीचा ठरल्यामुळेच ही सिच्युएशन आली. त्यांनी मॅच बनवला होता. मॅच या ठिकाणी मोरिया 11 संघ जिंकलाय, पण त्यांनी सुद्धा त्यांची बॉडी लँग्वेज दाखवते की ते सुद्धा थोडे घाबरले होते. चला मोरिया 11 टीम टॉस साठी आपण